नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। बामर पुलिस थाने में नए नगर निरीक्षक विनेश सिंह कुशवाहा द्वारा अपना पदभार संभाल लिया गया है। कुशवाहा बालाघाट से स्थानांतरण होकर मुरैना आए हैं। बामर पुलिस थाने में नगर निरीक्षक बनने के बाद उनकी यहां पहली पोस्टिंग है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया है कि व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करना तथा असामाजिक तत्वों में भय पैदा करना ही मेरी पहली प्राथमिकता हो रहेगी। सर, बामोर कस्बे में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ बामोर के लिए क्या करेंगे आप? बामोर थाना चूंकि शहर का एक पूरे जिले का एक महत्वपूर्ण थाना है, जहाँ से NH3 हाईवे गुजरता है, और यहाँ चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो पुलिस के लिए यहाँ एक तो रोड की समस्या रहती है, यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, और बाकी कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए भी ये महत्वपूर्ण कस्बा है। तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि रोड पर चूंकि हाईवे है तो यहाँ लोग सुविधाजनक तरीके से यहाँ निकलते रहें, वाहनों में कभी जाम ना लगे, और चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ शांतिपूर्वक लोग अपना व्यापार करें, उनको किसी तरीके से कोई भी अपराधी परेशान ना करें, और ये सारी प्राथमिकता क्या रहेगी बामर के लिए, किस चीज को देंगे आप? बामर चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशन में असल में ये है कि यहाँ अवैध रेत, अवैध गिट्टी, खदान, ये सारी चीज़ें अभी ये सर व्यापार बढ़ा है, और जहरीली शराब और जो भी अवैध काम हो रहे हैं उन पर कड़ाई से काम करते हुए उनको कंट्रोल में करना है, और जो भी इनके पीछे लोग हैं उनको कानून विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए जेल भिजवाना है। सर, बामन कस्बे के व्यापारियों के लिए क्या? पुलिस चूँकि पुलिस का लोगो देशभक्ति जनसेवा है, तो उसी के तहत बामोर थाना और सब हम लोग मिलके यही व्यापारियों से अपील करेंगे कि वो शांतिपूर्वक, और हम पूरा उनको भरोसा दिलाएंगे कि उनका व्यापार शांतिपूर्वक और अच्छी तरीके से चलेगा, उनको किसी तरीके से असुविधा नहीं होगी, कोई भी अपराधियों का उनको भय नहीं रहेगा, और उनसे भी हम ये अपेक्षा करेंगे कि जब भी पुलिस को किसी चीज़ की उनका सहयोग की आवश्यकता रहेगी तो वो मिलजुल के कोई भी कानून व्यवस्था की ड्यूटी में हमारा या पुलिस का सहयोग करेंगे। सर, बामर का हाईवे पर बसा हुआ है और यहाँ आए दिन जाम होते रहते हैं, उसके लिए क्या उपाय है? ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी यहाँ जो हमारा बल है, हम उनको 24 घंटे हमारे बल यहाँ रोड पर 24/7 लगातार ड्यूटी पे तैनात रहते हैं, एक मोबाइल भी रहती है हमारे जिसमें कोई अधिकारी रहते हैं, और वो 24 घंटे हमारी मोबाइल हाईवे पे रहती है जिससे कि जाम वाम की स्थिति पैदा ना हो।